हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KP A to Z। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है कि किस तरह से अपने RMGB डेबिट कार्ड का पिन चेंज करते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जानेंगे किस तरह से अपने RMGB मोबाइल बैंकिंग से अपने RMGB बैंक का डेबिट कार्ड होता है उसका पिन चेंज करते हैं अपने RMGB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से। आपको वीडियो को एंड तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से अपने RMGB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से पिन चेंज करते हैं अपने डेबिट कार्ड की, ATM कार्ड की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने RMGB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। यहाँ से अपन को लॉगिन हो जाना है। तो मैं अपने RMGB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में यूजर पासवर्ड देख के लॉगिन हो गया हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको चार ऑप्शन नज़र आएंगे, बैंकिंग, ट्रांसफर रिक्वेस्ट और सेटिंग का। तो आपको चलना है अपने थर्ड नंबर पर है जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन, उस पर जाना है। बेल का आइकन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जिसके सामने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आपको किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको चलना है लास्ट वाले के ऊपर, ग्रीन पिन सेट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा जिसमें फ्रॉम अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक अकाउंट नंबर आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक थोड़ा प्रोसेस लेगा और आपका डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एंटर नेम डेबिट कार्ड पिन, अपने RMGB डेबिट कार्ड के जो नए पिन सेट करने हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। जो भी हो आपके नए पिन सेट करने हो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दो बार अपना वही पिन फिल करना है जो आप अपने डेबिट कार्ड का रखना चाहते हैं, जो सिंपली ATM मशीन में यूज होता है पैसे निकालने के लिए, वो पिन यहाँ पे जो सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको फ्रॉम अकाउंट, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, डेबिट कार्ड नंबर आ जाएगा, ये जो आपने अभी पिन सेट किया है वो यहाँ पे पिन आ जाएगा। फिर यहाँ पे OTP मांग रहा है, तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है। फिर आपको 4-digit TPIN डालना है, ट्रांजेक्शन पिन जो आपने सेट किया होगा, आपको ट्रांजेक्शन पिन डालना है। पिन डाल के आपको ग्रीन पट्टी में दिख रहा होगा कंफर्म, कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे लिखा आ रहा है ग्रीन में टिक हो गया और पिन हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका पिन है जो सक्सेसफुली नया सेट हो गया। और आपको अगर दोबारा चेंज करना है तो वही प्रोसेस है, वहीं यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको वही सेलेक्ट करना है और नया पिन डालना है, वही प्रोसेस है पूरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।